नमस्कार दोस्तों, मैं तेजेश पवार आज आप लोगों को सीपीसीटी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज कि सीपीसीटी होता क्या है, दूसरी बात बताऊंगा मैं आपको कि इसको कौन लोग कर सकते हैं, तीसरी चीज इससे क्या फायदे हैं और इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चीज सीपीसीटी, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, मतलब कि कंप्यूटर में दक्षता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र। सीपीसीटी को करवाता है मध्य प्रदेश, हमारी जो सरकार है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। मेप आईटी एक संस्था है जो इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है। इस परीक्षा को जो भी व्यक्ति 12th पास आउट है वो कर सकता है, या फिर जिसने 10th किया है उसके बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करा हुआ है तो ये लोग कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पॉलिटेक्निक या फिर 12th पास आउट। इसके लिए आप लोगों को तीन चीजों को करना होता है। सीपीसीटी के तीन मुख्य चीज होती है। सबसे पहली चीज होती है कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा बेसिक नॉलेज चाहिए। इस पे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और कंप्यूटर से इंटरनेट कैसे यूज करते हैं। उसके बाद एमएस ऑफिस जिसमें एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड और प्रेजेंटेशन ये सारी चीजें एमएस एक्सेस इनके बारे में जानकारी रहेगी। और ये पोर्शन रहता है हमारा कंप्यूटर वाला जो पेपर होएगा आपका थ्योरी पेपर, वो 75 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को 40 नंबर मिनिमम लाना पड़ता है पास होने के लिए। इसके बाद इसका पहला चीज कंप्यूटर के बाद में दूसरी चीज होती है टाइपिंग। टाइपिंग कौन सी रहती है, टाइपिंग दो प्रकार की रहती है, हिंदी और इंग्लिश। तो पहली होती है हिंदी टाइपिंग जिसको आपको 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना पड़ता है। इसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, 15 मिनट में आपको टाइप करना है, ठीक है। इसकी मिनिमम स्पीड आपकी 20 वर्ड पर मिनट की आनी चाहिए तब आप हिंदी टाइपिंग में पास होंगे। उसके बाद टाइपिंग में इंग्लिश की होती है आपकी। इंग्लिश टाइपिंग में क्या रहेगा, आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करना पड़ेगा। ये भी आपका 15 मिनट का होगा टेस्ट। ये दोनों टाइपिंग पास कर लेते हो अगर आप, और कंप्यूटर में आप 75 में से 38 या 40 नंबर ले आते हो तो आप सीपीसीटी का एक सर्टिफिकेट पास कर लेते हो। एक महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाता है, आप क्वालिफाइड हो जाओगे सीपीसीटी में। अब मैं बात करता हूँ सीपीसीटी क्वालिफाइड होने के बाद ये कहाँ काम आएगा। तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार में जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनमें अधिकतर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी में सीपीसीटी को अनिवार्य कर दिया है। पहले पीजीडीसीए या डीसीए मांगता था, अब लेकिन उसके साथ में सीपीसीटी को अनिवार्य कर दिया है। जो कोई भी हमारे यहाँ पे ग्रुप 4 की वैकेंसी हो गई, पटवारी की वैकेंसी हो गई, हमारे यहाँ पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हो गई, हमारे यहाँ पे कोर्ट की वैकेंसी हो गई, हाई कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जेजे की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्टेनोग्राफर की, इन सभी जगह पे सीपीसीटी पास आउट जरूर चाहिए रहता है, वही व्यक्ति ये फॉर्म डाल सकता है। तो ये बहुत ही कम समय में, मिनिमम आप यदि चाहो तो 3 माह में इस सर्टिफिकेट को कर सकते हो। 3 माह में एकमात्र ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आपको गवर्नमेंट नौकरी के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। आज भी सीपीसीटी क्वालिफाइड लोगों की संख्या बहुत कम है, बाकी अदर वैकेंसी में जो लोग फॉर्म डालते हैं उनकी संख्या की अपेक्षा इनमें फॉर्म डालने वालों की संख्या कम रहती है। तो आप लोगों को ये कोर्स के बारे में जानकारी मैंने दी है। आप लोग किसी भी आपके संपर्क में आसपास में जो कंप्यूटर सेंटर होंगे वहां जाके कंप्यूटर टाइपिंग सीख सकते हो, या फिर आप हमारे यहाँ भी आ सकते हो। हमारा सेंटर है रसूलिया में, एमएस कोचिंग क्लासेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें टाइपिंग और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर मैं खुद पढ़ाता हूँ। मुझे 6 साल हो गए इसी फील्ड में, मेरा सीपीसीटी पास आउट है हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर। तो आप लोग मुझसे भी सीख सकते हो।